हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत मस्त जगह आया हुआ हूँ। तो ये जगह का नाम है 17 माइल ड्राइव, और ये मॉन्ट्री बे करके एक जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे पड़ता है। और दोस्तों, इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत मस्त एकदम फर्स्ट क्लास बीचेस हैं। तो आप देखिए, जैसे मेरे पीछे ये बहुत मस्त सा बीच है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बीचेस हैं। तो आज दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 5-6 ऐसे बीचेस दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत यूनिक हैं, और जो कि ये 17 माइल ड्राइव पे जो है पड़ते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, पीछे लोग अभी निकले हुए हैं, मस्त में एंजॉय कर रहे हैं। आज थोड़ा क्लाउडी है जो है, मतलब वेदर, लेकिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और दोस्तों, इस जगह की खासियत ये है कि ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मतलब जो है, ये बहुत जो है फेमस जगह है लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप लोग चलिए, और मैं आपको भाई दिखाता हूँ कि ये जगह आखिर कैसी है, यहाँ के भाई बीचेस आखिर कैसे हैं। और आप ये वीडियो एंड तक देखो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स कम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये देखिए वो बीच एरिया, कितने सारे लोग देखिए आए हुए हैं। और सामने आप वेव्स देखिए, मतलब अच्छी खासी मस्त ज़बरदस्त वेव्स हैं अभी इस टाइम पे। मुझे लग रहा था कि जो है कोई मुझे सर्फिंग करता हुआ दिख जाएगा अभी, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, कोई मतलब जो है सर्फिंग करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, अगर आप नोट करो यहाँ पे, तो जो सैंड है ये देखिए सफ़ेद रंग की है, ये थोड़ी अलग सैंड है यहाँ पर। तो ये वाइट रंग की जो है आप देखिए सैंड है यहाँ पर, तो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है देखिए यहाँ पर, सो नाइस। तो दोस्तों, अभी हम लोग दूसरे स्पॉट पे आ गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का बीच है। ये देखिए यहाँ पे रॉक्स हैं, तो बीच नहीं है यहाँ पे, ये देखिए रॉक्स हैं यहाँ पे। और मस्त में देखिए लोग क्लाइंब करके नीचे गए हुए थे, वो लोग ऊपर आ रहे हैं वापस अभी। और ये देखिए सामने, ये दूर में ये टेलीस्कोप टाइप का लगाया है, आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये किस टाइप का ये टेलीस्कोप है। मुझे लग रहा है ये इसमें एक कॉइन वाला होगा, इसमें कि आप इसमें कॉइन डालो और फिर आप दूर तक इसमें देख सकते हो। तो हाँ, ये देखिए कॉइन वाला है बेसिकली। तो इसमें आप क्वार्टर डालो, मतलब 25 सेंट डालो इसमें आप दो, और फिर इसके बाद आप दूर तक इसमें देख सकते हो बेसिकली। तो ये सही मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अभी मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ, बट आप देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये देखिए सनफ्लावर टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स उगे हुए हैं, विच इज़ अपेयरिंग सो ब्यूटिफुल। और एक आंटी नीचे देखो बैठी हुई है, वेरी नाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 17 माइल ड्राइव, ये जो जो जगह है, ये 17 मील की ये रोड है बेसिकली। और ये 17 मील की जो है रोड पे बहुत सारे ऐसे खूबसूरत बीचेस हैं, और अंदर आने का पैसा लगता है $10.50 लगता है बेसिकली अंदर आने का यहाँ पे 17 माइल ड्राइव में। उसके बाद आप ये सारे बीचेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर इस टाइम पर। और यहाँ का मुझे, इस साइड का मुझे थोड़ा पानी का रंग अलग लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का पानी है। मुझे लग रहा है नीचे जो रॉक्स हैं वो ब्लैक रंग की हैं, इसलिए पानी इतना ब्लैकिश है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे देखिए, ये है एक गोल्फ़ कोर्स है। तो ये गोल्फ़ कोर्स काफ़ी फेमस है, इसको आई थिंक मॉन्ट्री बे गोल्फ़ कोर्स बोलते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी बड़ा गोल्फ़ कोर्स है ये। तो अगर मुझे मौका लगता है तो मैं आपको दिखाता हूँ गोल्फ़ कोर्स थोड़ा पास से। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी ट्रेल से जो है चलते हुए आ रहे थे, और ये कितना मस्त सा ये एरिया आया है। ये बिल्कुल बीच के एकदम बाजू में है ये, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, कोई तो ये हट या समथिंग है बेसिकली। भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये छोटी सी एक हट बनी है, और सामने ये कुछ तो है, आई थिंक शायद कोई रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, बट अभी बंद लग रहा है ये। तो इसका मुझे एक्सेस, आई थिंक मैं उल्टे साइड से आया हूँ शायद, इसलिए एक्सेस नहीं है ये। इसका एंट्रेंस दूसरे साइड से है, बट ये सी फेसिंग है रेस्टोरेंट देखिए। तो ये देखिए रेस्टोरेंट है ये, और ये सी फेसिंग है। अभी इस टाइम पर ये बंद लग रहा है, बट जब ये खुलता होगा तो मस्त आप सी फेसिंग बैठ के आप लंच या फिर डिनर कर सकते हो।
तो दोस्तों ये मैं दूसरे स्पॉट आया हूँ। तो इस स्पॉट की जो खासियत ये है कि यहाँ पे ये रॉक्स हैं जिसके ऊपर आप जो है चल सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर चल के दिखाता हूँ। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे वेव्स बहुत ज़बरदस्त हैं, तो ये थोड़ा रॉकी वेव्स का एरिया ये लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेव्स बहुत ज़बरदस्त हैं और यहाँ पे इसलिए बोटिंग वोटिंग करना या फिर जो है कयाकिंग करना सख्त मना है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे पीछे देख रहे हो लोग जा रहे हैं रॉक्स के ऊपर चल के, तो आइए मैं भी थोड़ा जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये भाई देखो, ये रॉक्स हैं एकदम फाड़ू वाली बिल्कुल। तो आइए चलते हैं इस पे रॉक्स पे। ये कैसी ये रॉक्स देखिए आप, ये कैसी इसके ऊपर ये ब्राउन रंग की ये काई जमी है कि क्या है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग टाइप की काई है। ये यूजली काई जो है ग्रीन रंग की होती है, बट ये थोड़ा अलग टाइप की है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। थोड़ा ये ट्रिकी है इसके ऊपर चलना, तो मैं थोड़ा मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरा पैर ना मुड़े यहाँ पे। अलग अलग टाइप की ये थोड़ी बड़ी बड़ी रॉक्स आ गई हैं, और देखिए बीच में ये पानी भी आ रही है। देखिए आप यहाँ पे इसमें पानी आ गया। मैं थोड़ा देखता हूँ अगर मैं पास जा पाऊँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये सी का जो है पानी आ गया है यहाँ पे। और ये देखिए सामने पूरा सी है, क्या मतलब मस्त नज़ारा है यार ये, मतलब मज़ा आ गया। और आप वेव्स देखो, वेव्स मतलब अच्छी खासी ज़बरदस्त वेव्स हैं, और जबकि आज फुल मून भी नहीं है, फुल मून वाले दिन वेव ज़्यादा होती हैं, तो वेव्स बहुत सारी हैं। और ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा पानी स्टिल है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पे देखिए काई वाई जम गई है, बट सामने मस्त नज़ारा है यार। बाकी दोस्तों ये देखिए, ये है गोल्फ़ कोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉन्ट्री बे में ये बहुत बड़ा सा एक गोल्फ़ कोर्स है, और इसमें आप देखो सामने आप लोगों को कुछ लोग दिख जाएंगे देखते हो यहाँ पे गोल्फ़ खेलते हुए। तो ये गोल्फ़ कोर्स दोस्तों बिल्कुल ये सी बीच को के एकदम पैरेलल है। ये तो सामने सी बीच है और इस साइड गोल्फ़ कोर्स है। ये देखो सामने सी दिख रहा है इधर इस साइड, वो देखो सामने एक बंदा अपने दो कुत्ते लेके आ रहा है। देखिए मस्त मस्त बड़े बड़े कुत्ते हैं इसके। तो एनीवेज हाँ, तो ये देखिए सामने सी है और ये बीच में ये 17 माइल ड्राइव वाली रोड है जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, और ये सामने गोल्फ़ कोर्स है। और कितना सीरीन, कितना ब्यूटीफुल है ये गोल्फ़ कोर्स। और दोस्तों ये आप देखो सामने, ये आपको जो है बड़े बड़े घर दिख रहे होंगे, तो ये घर इसी 17 माइल ड्राइव का पार्ट हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो एरिया है इसका नाम पैसिफिक ग्रोव है, तो काफ़ी लोग इस जगह रहते हैं, इस वाले जो है मतलब एक टाइप की ये कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी है ये, और काफ़ी लोग रहते हैं। और मेरे ख्याल से जो लोग रहते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे इसका गोल्फ़ कोर्स का एक्सेस होगा। तो दोस्तों मैंने इंडिया में आज तक गोल्फ़ नहीं खेला है, तो अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा इंडिया में कि आपने अगर गोल्फ़ खेला हो, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जाऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा उस वाले गोल्फ़ क्लब जाने का, ताकि मेरा भी जो है एक्सपीरियंस कर पाऊँ वहाँ पर। तो एनीवेज दोस्तों आइए आगे चलते हैं 17 माइल ड्राइव पे और देखते हैं और क्या क्या है आगे। लेट्स कम फ्रेंड्स। ओके दोस्तों आइए मैं आपको एक मस्त जगह दिखाता हूँ। तो सामने एक पत्थर है जो है बड़ा सा, जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाओं ने अपना घर बनाया हुआ है, तो इसको बर्ड रॉक बोलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पर कम से कम 1000-2000 चिड़ियाएँ बैठी होंगी, और ये बिल्कुल समुद्र के एकदम बीचों बीच है। तो ये देखिए दोस्तों सामने ये रॉक है देखिए, जो कि सी के एकदम बीचों बीच है। और मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए कितनी सारी इसमें देखिए चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं। ये जितने भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं सारी चिड़ियाएँ हैं, ये बेसिकली ये सी बर्ड्स हैं ये। और ये रॉक को इन्होंने अपना घर बना दिया, इसलिए इस रॉक का नाम ही पड़ गया है जो है बर्ड रॉक। तो क्या मतलब ज़बरदस्त है आप बताओ, कि पता नहीं इन्होंने इस रॉक पे ऐसा क्या देखा। आसपास देखो और भी रॉक्स हैं जो है, तो आई डोंट नो इन्होंने इसी रॉक को अपना घर क्यों बनाया, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक रॉक पे जो है चिड़ियाएँ आके रेगुलरली बैठती हैं, तो इन्होंने इस रॉक का नाम ही रख दिया है बर्ड रॉक। तो दोस्तों मैं ये बहुत ज़बरदस्त स्पॉट आया हुआ हूँ। ये स्पॉट का नाम है बिक्सबी ब्रिज, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज है यहाँ पे कैलिफोर्निया में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। तो ये देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा ऊंचा सा ये ब्रिज है बेसिकली, जिसका नाम है बिक्सबी ब्रिज, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कितनी हाइट पर हैं, और मेरे पीछे सी है और बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों ये ब्रिज है, और देखिए ये नीचे सी है देखिए,
आप हाइट देखिए कितनी, तो हाइट है कितनी, हाइट पे हैं हम लोग। और आप बस वो ये देखिए, नेचुरल ब्यूटी देखिए, क्या तो मतलब नेचुरल ब्यूटी है। और कुछ लोग देखिए नीचे उतरे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है देखिए यहाँ पे, बिल्कुल लिटरली। तो दोस्तों अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे ये ट्रिप बनाई मॉन्ट्री बे आने की जो है, और आज मुझे सच में मतलब बहुत मज़ा आया एक्चुअली यहाँ पे आके। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने कि मैं आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल स्पॉट्स दिखा पाया। तो दोस्तों आप लोग भाई कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा भाई कमेंट करो और बताओ कि आपको ऐसा और क्या देखना है अमेरिका की, ऐसी आप कौन सी और जगह देखना चाहते हो स्पेशली कैलिफोर्निया की। तो अगर मुझे मौका लगता है तो मैं डेफिनेटली वो जाके आपको दिखाऊंगा। तो टिल देन दोस्तों, टेक केयर देन, बाय एंड स्टे सेफ, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय। I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb back.